नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम इस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है रिलायंस पावर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस शेयर में हमें अभी जो हाल देखने को मिल रहा है, काफी समय से लगातार हमें इसमें तेजी भी तेजी देखने को मिल रही है, और कल के दिन गिरावट के बाद हमें आज फिर से इसमें एक छोटी सी तेजी फिर से देखने को मिली है। बात करेंगे हम इस वीडियो में कि इसमें जो ये आज तेजी हमें देखने को मिली है, क्या ये संकेत है कि इसमें फिर से हमें एक बिग ब्रेकआउट देखने को मिलने वाला है, और जो लोग भी इस शेयर में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो लोग अपने इसमें नेक्स्ट मूव क्या ले सकते हैं, और जो लोग इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं वो लोग कौन से लेवल पर अपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये सारी बातें बताएंगे आपको हम इस वीडियो में। इसके अलावा इसके आगे के कौन से जो है टारगेट रहेंगे और सपोर्ट के लेवल कौन सा है, इसका रेजिस्टेंस का लेवल कौन सा, सब बातें आपको बताने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। और साथ में जो है आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे आकर जुड़ सकते हैं, इसमें आपको हम फ्री में इंट्राडे के ट्रेड, बीटीएसटी स्टॉक, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के सबसे अच्छे स्टॉक होते हैं, ये सारी सुविधा आपको हम इस ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। अगर आप इंट्राडे करते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप पहले स्टॉक ट्रेड करते हैं या जो है आप फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में, तो ये सारी सुविधा आपको मिलती है इस ग्रुप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ग्रुप को ज्वाइन करने का कोई भी आपको चार्ज पे नहीं करना है। ग्रुप के जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ेगा, उस पर क्लिक करें और ग्रुप के लिंक पर क्लिक करते हैं आप हमारे इस ग्रुप को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है, एक रुपये भी आपको पे नहीं करना है ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। ग्रुप के जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ेगा, उस पर क्लिक करें और बॉक्स की लिंक पर क्लिक करते ही आप हमारे इस ग्रुप को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं टॉपिक की तरफ, कैसे क्या हमें ट्रेड देखने को मिली है रिलायंस पावर में आज के दिन। तो अगर आप इसका आज का हाल देखें तो हमें ओपनिंग इसमें 15.50 रुपये पर देखने को मिली थी, और उसका देखिए थोड़ा सा गिरावट ली इसने, और उस गिरावट के बाद देखिए क्या हुआ, इसमें अच्छी तेजी आई, ऑलमोस्ट देखिए 3.5% या 4% बढ़ गया था, और उसका देखिए पूरा साइडवेज रहा, साइडवेज का देखिए काफी बार सर्किट टूटा लगा, मतलब कि काफी उतर बदल हमें देखने को मिली, और फाइनली क्लोजिंग हमें ऑलमोस्ट 0.65% के ऊपर देखने को मिली है, लगभग 15.04 रुपये पर आज हमें ये क्लोज होता हुआ देखने को मिला है, 10 पैसे की आज हमें इसमें तेजी देखने को मिली है काफी फिर से। देखिए अच्छा आज का दिन हमें देखने को मिला है, देखिए थोड़ा सा गिरावट के बाद अच्छी इसमें रिकवरी हमें आज देखने को मिली है। बात करें 1 वीक में, तो 1 वीक में इसमें ऑलमोस्ट 9.47%, मतलब कि लगभग 9.5% की हमें तेजी एक हफ्ते में देखने को मिली है, और 1 मंथ में लगभग देखा है तो लगभग 16.85% की हमें तेजी देखने को अभी तक मिल चुकी है। तो 1 महीने में काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्मेंस हमें करके दिखाया है। बात करते हैं कि इसमें मंडे को कैसी क्या हमें ट्रेड देखने को मिल सकती है, मंडे को इसमें क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इसका वॉल्यूम देखें आज का, तो लगभग वॉल्यूम 2,27,55,954 शेयरों का हमें इसमें आज ट्रेड देखने को मिला है, और लगभग डिलीवरी परसेंटेज 50.49% हमें शेयरों की डिलीवरी भी देखने को मिल रही है, मतलब कि डिलीवरी परसेंटेज में थोड़ा सा गिरावट हमें जरूर देखने को मिली है। और अगर आप देखें तो सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा हमें देखें तो 55,285 शेयरों का देखने को मिल रहा है, सेलिंग सेट में ऑर्डर 15.60 रुपये की प्राइस है, मतलब कि लोग फिर से प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं इसमें, और लेकिन ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर आप वॉल्यूम से कंपेयर करें तो बहुत कम नंबर में हमें ये ऑर्डर देखने को मिल रहा है सेलिंग सेट पर, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग अभी इसमें इंटरेस्टेड हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं सेलिंग सेट पर, मतलब कि आपको इसमें जरूर तेजी फिर से देखने को मिलने वाली है कुछ दिनों में, ये शेयर फिर से आपको अपसाइड मूव दिखाने वाला है, और ये मात्र थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही है, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से ये शेयर आपको रॉकेट बनता हुआ देखने को मिलने वाला है आगे आने वाले समय में। अब बात करते हैं लेवल्स की, तो लेवल देखते हैं आगे के, तो आप चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट पर अगर आप गौर करें तो हमने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि हमारा ये 15.80 रुपये का लेवल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, और आपका अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है तो ये फिर से आपका 70.60 रुपये का लेवल बहुत आराम से अचीव करेगा, और आपका ये जो 15.80 रुपये का लेवल है ये पहले काफ़ी अच्छा देखिए रेजिस्टेंस का लेवल ले चुका है। देखिए यहाँ पर इसने काफ़ी बार रेस्ट किया है, देखिए यहाँ पर इसने रेस्ट किया था और रेस्ट लेके देखिए नीचे गया था, 14.80 रुपये का लेवल गया था, और 14.80 रुपये से फिर से ये अपसाइड मूव उसने दिखाई थी, और इस बार भी देखिए ये इसी प्रकार से थोड़ा सा पैटर्न बनाता हुआ देखने मिल रहा है। 15.80 रुपये से इसने थोड़ा सा देखिए रेस्ट किया है, और रेस्ट करके देखिए थोड़ा सा ये काफ़ी नीचे भी गया था, और ऑलमोस्ट देखिए 14.80 रुपये के लेवल पर ये पहुँचने वाला है। ठीक है, आपका सपोर्ट लेवल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जो लोग भी ऑलरेडी इन्वेस्टेड है क्या करना, लोग देखिए ध्यान सुनेगा, जो लोग भी ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो लोग अभी इसको होल्ड करेंगे। ठीक है, जो लोग भी ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो इसको क्या करेंगे, अभी होल्ड करेंगे, शॉर्ट टर्म वाले भी, लॉन्ग टर्म वाले भी, और जिनका लॉस है वो लोग भी इसको अपनी होल्डिंग अपनी बना के रखेंगे, और जिनको बाई करना है तो वो बाइंग कहाँ करेंगे, 14.80 रुपये का जो आपका लेवल है आप यहाँ पर आने का इसका इंतजार करें, और आप इस लेवल पर अपनी इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, आपका ये फ्रेश बाइंग करने का बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर आपको इसमें बाइंग करनी है तो। 14.80 रुपये ये आपका काफी अच्छा लेवल बाइंग करने का, अगर ये यहाँ से डाउन साइड मूव दिखाता है तो आप यहाँ पर बाइंग करेंगे यहाँ पर 14.80 रुपये पर, और अगर यहाँ से अपसाइड मूव दिखाता है तो आप जो है 15.80 रुपये के ऊपर अपनी बाइंग इसमें कर सकते हैं, और आपका फिर टारगेट रहेगा कौन सा, आपका फिर टारगेट रहेगा 17.60 रुपये का, ये आपके दो आपके लेवल रहेंगे काफी इंपॉर्टेंट कहाँ पर, अगर यहाँ से ये क्या करें डाउन साइड मूव दिखाए, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस जोन पर है, और रेजिस्टेंस को अगर ये ब्रेक करता है आपका ये क्या करता है, अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो क्या करेंगे आप इसके ऊपर बाइंग करेंगे, और रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाता है यहाँ से रेस्ट करता है तो आप इसमें फिर नीचे आने का इसका इंतजार करेंगे, 14.80 रुपये पर अपनी आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। बाकी जो लोग इसमें अपनी होल्डिंग बना के रखे हुए हैं वो लोग अभी इसको होल्ड करें, कब तक होल्ड करेंगे, जब तक ये आपका 14.80 रुपये का यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, शॉर्ट टर्म वाले अपने 14.80 रुपये पर सपोर्ट रखेंगे, लॉन्ग टर्म वाले इसको अपनी होल्डिंग बना के इसमें रखेंगे। ठीक है,
लॉन्ग टर्म वाले क्या करेंगे अपने इसमें होल्डिंग बना के रखेंगे अभी भी, ठीक है। बाकी जिनको प्रॉफिट बुक करना है तो अभी भी आप इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर ले चाहे तो काफी अच्छा रहेगा। मैं तो बोलूँगा कि आप प्रॉफिट बुक कर लें, शॉर्ट टर्म वाले तो थोड़ा बहुत करते चले, क्योंकि अगर यहाँ से डाउन साइड मूव दिखाता है तो आप दोबारा से अपनी जो क्वांटिटी आप यहाँ निकालेंगे वो क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मतलब क्या करेंगे आप यहाँ पर थोड़ा सा क्वांटिटी निकालते हैं 15 रुपये 80 पैसे पर, और यहाँ क्वांटिटी निकाल कर आप दोबारा से अपनी क्वांटिटी 14 रुपये 80 पैसे पर अपनी ऐड कर सकते हैं। मतलब कि आपको 1 रुपये का फिर फायदा मिल जाएगा, नीचे आप बाइंग कर लेंगे फिर आप जो है अच्छा खासा पैसा इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट बुक क्या करना है 15 रुपये 80 पैसे पर शॉर्ट टर्म वालों को, बाकी लॉन्ग टर्म वाले होल्ड करेंगे, लॉस वाले भी होल्ड करेंगे, और शॉर्ट टर्म वाले चाहे तो इसमें अपनी होल्डिंग ला के रखें, कोई समस्या की बात नहीं कब तक रखें, लेकिन 14 रुपये 80 पैसे के जब तक ये लेवल के ऊपर है, ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक ये इसके ऊपर है होल्ड बना के रखें इसमें, अगर ये इसको ब्रेक करे तो फिर आपको अपनी होल्डिंग इसमें नहीं रखनी है शॉर्ट टर्म वालों को खास करके, ठीक है। और जिनको बाय करना है तो बाइंग करने के लिए अगर ये नीचे ब्रेकआउट दे 15 रुपये 80 पैसे के नीचे तो आप 14 रुपये 80 पैसे पर बाइंग करेंगे, और अगर ये इसके ऊपर ब्रेक करे तो आप जो 15 रुपये 80 पैसे के ऊपर फिर बाइंग करके अपना 70 रुपये 60 पैसे का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये रखें आपके लेवल, और आपको कोई डाउट हो कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्वेरी पूछ सकते हैं। बाकी मैंने बोला था कि ये जो खबर है पीरामल ग्रुप वाली कुछ दिन खबरों में रहेगी, और जिस दिन ये खबर ठंडी होगी फिर से ये शराब में रॉकेट बनता हुआ देखने को मिलने वाला है, और वही चीज़ देखने वाली है और बहुत ही ये भागते हुए हमें देखने वाला है उस खबर के ठंडा होने के बाद से, क्योंकि काफ़ी दिन से वो खबर हमें उजागर देखने को नहीं मिली है, और वो खबर अब थोड़ा दबसी दबसी गई है, और उस खबर के दबने की वजह से ही हमें इस शेयर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि ऑपरेटर भी स्टॉक है, ऑपरेटर को जो है फर्क नहीं पड़ता कि खबर कौन सी आई है क्या फर्क खबर आई है, उनको इस सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जो है जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं रिस्क जिन्होंने लिया है, क्योंकि मैंने बोला था कि जो लोग रिस्क लोग हैं वही लोग इसमें पैसा लगाएंगे, बिना रिस्क वाले लोग अपना पैसा इसमें ना लगाएं दूर रहें, तो जिन्होंने रिस्क लिया है रिस्क लेने के बाद से उनको रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा मिला है, हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड वाला शेयर था और रिवॉर्ड काफ़ी हाई देखने को हमें मिला है। बाकी दोस्तों यहाँ के लेवल, और यहीं तक था वीडियो, वीडियो को हमारा अच्छा लगा हो आप तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार से अपना प्यारा बना रखें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हुए अपना पैसा निवेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।